नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आप लोग का। तो आज इस वीडियो में जो वनस्पति आप देख रहे हैं, ये जो आप पौधा देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, पत्ती देख रहे हैं, कांटे देख रहे हैं दोस्तों, यह बहुत ही बेहतरीन औषधि है, जड़ी बूटी है और साथ साथ बहुत ही फायदेमंद इसके फल भी होते हैं हमारे शरीर के लिए। इसके फल बहुत ही फायदेमंद होते हैं पेट, खास करके पेट के लिए, हमारे पेट को, लीवर को ठंडक देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप देख लीजिए और पहचान लीजिए दोस्तों। इसको दिव्य पेड़ भी बोला जाता है, पौधे भी जाता है। दिव्य कहने का मतलब ये होता है कि इसके जो पत्ती होते हैं दोस्तों, यह हमारे भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे इसका चढ़ाया जाता है, पूजा में प्रयोग किया जाता है। आप ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये देख लीजिए, बगल में मंदिर है, मंदिर शिव भगवान का मंदिर है, तो वहाँ पे इसका शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है, पूजा पाठ में भी इसका बहुत प्रयोग होता है दोस्तों। जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसको बेलपत्र के नाम से भी जाना जाता है, त्रिपत्र के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, यह बेल जो कि हम लोग खाते हैं, जो कि हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है बेल दोस्तों, इसका फल भी फायदेमंद है। ये धार्मिक प्रतिष्ठान में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और साथ साथ दोस्तों, हमारे पेट के लिए, हमारे शरीर के लिए इसकी पत्ती जो आप देख रहे हैं ना, इसका भी प्रयोग होता है औषधि के रूप में। और दोस्तों, यह पत्ती आपको सालों भर पेड़ में मिलेगा और इसका आप किसी भी टाइम कभी भी इसका प्रयोग करके अपनी बहुत सारी बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेल पत्ते के फायदे के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। बेल के जो पत्ते होते हैं, यह हजारों साल से हमारे भारतवर्ष में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ साथ यूनानी पद्धति में भी इसका बहुत अच्छा जिक्र मिला है, इसके फायदे के बारे में, आयुर्वेद गुणों के बारे में, इसका प्रयोग के बारे में, इसका कौन कौन सी बीमारी में इसका प्रयोग क्या होता है, उसके बारे में भी बहुत अच्छा वर्णन मिला है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी के फायदे के बारे में। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं वक्त करते हुए हम इसको आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इससे पहले छोटी सी आपकी रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी तो आप एक लाइक कर देना। लाइक करने से मेरा मोटिवेशन अप होता है, जिसकी वजह से आपके लिए हम ऐसे ही आयुर्वेद लाते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले फायदे के बारे में, कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बूढ़ा हो या बच्चा, अगर दोस्तों सुबह सुबह खाली पेट इसके 2 से 3 पत्ती 4 पत्ती अगर चबा करके कोई खाता है, तो दोस्तों उसके शरीर में किसी भी प्रकार का बीमारी हो, उसको दूर करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बेलपत्र का जो पत्ती होते हैं ना, बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और दोस्तों, इसका टेस्ट भी कोई ख़राब नहीं लगता है। तो चलिए दोस्तों, अगर किसी को अगर बुखार आ रहा है तो इसके पत्ती का आप काढ़ा बना करके उस व्यक्ति को पिलाएं दोस्तों। उसमें काढ़े में पिलाने के बाद उसके जो बुखार है ना, बहुत जल्दी सही हो जाता है। और अगर इसको 2-3 दिन कंटिन्यू करते हैं तो बुखार बहुत कम आने का चांस होता है। अगर किसी व्यक्ति को बरैया या ततैया जैसे छोटे मोटे विषैले कीड़े काट लेना, तो दोस्तों इसके क्या करें, इसके पत्ते को तोड़ करके और उसको पीस करके उसका पेस्ट बना करके उस जगह लगा दें, बहुत जल्दी आपको ठंडक और राहत मिलेगा और जलन जो होता है ना, उसको भी यह सही करता है। अगर दोस्तों किसी को हृदय रोग है, जी हाँ हार्ट प्रॉब्लम है, तो आप इसके पत्ती का काढ़ा बना करके उनको अगर देते हैं, तो इस तरह से अगर 10 दिन कंटिन्यू इसका सेवन करते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए उसके बहुत हद तक हृदय रोग सही हो जाता है। हार्ट की समस्या है उसको भी यह कंट्रोल करता है, सही रखता है, फिल्टर करता है। इसके साथ जैसे श्वास रोग है, किसी को सांस लेने में दिक्कत आ रहा है या सांस फूलने की समस्या है या किसी भी तरह की दिक्कत है, तो दोस्तों इसके पत्ते का काढ़ा बना करके उस व्यक्ति को कंटिन्यू पिलाइए दोस्तों, यकीन मानिए उसका बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है, सही हो जाता है दोस्तों। किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, गर्मी के सीज़न में परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक कि गर्मी की वजह से उसके मुँह में छाले निकल आते हैं, तो दोस्तों उन व्यक्ति के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये बेल का पत्र। आप इसको सुबह सुबह जाएं खाली पेट धुल करके अब मुंह में चबाते रहें दोस्तों, उससे मुंह के छाले सही हो जाएंगे, आपके पेट में ठंडक होगा। इसके बाद एक गिलास पानी पी लें, आपके जो पेट आंत होता है ना, उसको यह ठंडा करता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा कि बेल आप खाए भी होंगे, बेल खाने से हमारे पेट को ठंडक मिलता है, आंत को ठंडक देता है, मजबूती देता है, उसी तरह दोस्तों ये भी काम करता है, यह ठंडे प्रवृत्ति को होते हैं, जिसकी वजह से आपके पेट को ठंडक मिलता है।
दोस्तों इसके साथ साथ जैसे बवासीर हो, चाहे खूनी हो या बादी, दोनों में बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा, सुना क्या देखा ही होगा कि हर एक घर में कोई ना कोई व्यक्ति बवासीर से परेशान है। आज की वजह से खान पान तो आज के जानते ही हैं किस वजह से खान पान सही से नहीं खाने वजह से तेली भुंजी खाई हुई या फिर स्पाइसी खाना खाने की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों उसके लिए भी बहुत अच्छा है, आप बेलपत्र का प्रयोग करके अपनी बवासीर को भी दूर कर सकते हैं। उसके लिए क्या करें, बेल के जड़, जी हाँ दोस्तों आप देखेंगे तो उसके बहुत जड़ फैले हुए रहते हैं, आप उसका जड़ ले आइए, थोड़ा सा उसका गूदा निकाल लीजिए। इसके बाद उसमें उसको अच्छी तरह सुखा करके पाउडर बना लीजिए और उसमें क्या करें, बराबर मात्रा में मिश्री ले लें और दोनों मिला करके इसका सेवन करें। दोस्तों इसका सेवन कर सकते हैं या फिर आपको नहीं मिले तो बेल, बेल के मौसम में जब फल लगता है ना तो उसका गूदा निकाल के कच्चा ले करके उसको सुखा करके आप पाउडर बनाकर उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आपको मार्केट में भी अवेलेबल होता है, आप पंसारी की दुकान से ला करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों इस तरह से अगर आप प्रयोग करते हैं उसके तो कम से कम आप 15 दिन करें आप, आपकी जो बवासीर की समस्या है चाहे खूनी दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों मौसम चेंज होने के बाद या फिर बरसात में सर्दी खांसी बुखार ये सब तो आम समस्या हो जाता है, तो दोस्तों उसमें भी बहुत अच्छा बेलपत्र का काम है। आपको करना क्या है, बेल के पत्ते को लाएं और उसका रस निकाल करके उसमें शहद मिला करके उस व्यक्ति को चटाएं। दोस्तों यकीन मानिए उसके सर्दी खांसी बुखार जैसी छोटी मोटी इन्फेक्शन ये वायरल इन्फेक्शन को यह दूर करता है और आपको छोटी मोटी इन्फेक्शन से भी बचाता है। दोस्तों अगले फायदे के बारे में बात करते हैं, जैसे कि बच्चे के पेट में कीड़े हो जाते हैं, जी हाँ दोस्तों कीड़े होते हैं तो उसका शरीर विकसित नहीं हो पाता है, या बड़े लोग को भी पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो आप उसके कीड़े को निकालने के लिए आप इसका प्रयोग बेल के पत्ते का कर सकते हैं, उसका रस निकाल करके आप उसका सेवन करें। दोस्तों बच्चे हो या बूढ़े हो या बड़े हो कोई भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, आपको सुबह शाम इसका प्रयोग करना होगा और एक सप्ताह तक करें, एक सप्ताह में या तो मर करके बाहर हो जाएगा या तो जैसे भी हो आपको बाहर निकल जाएगा कीड़ा, यह बहुत अच्छा औषधि है। दोस्तों पेचिस दस्त में भी बहुत अच्छा है, आप इसका क्या करें, इसका रस निकाल करके इसके पत्ते का रस निकाल करके 2 से 3 चम्मच आप इसका सेवन करें, या फिर इसका क्या करें, इसका सुबह सुबह जाकर पत्ती तोड़ करके उसको चबा के खा लें, तो दोस्तों उससे आपके पेचिस और दस्त में बहुत राहत मिलेगा। आप इसी तरह कंटिन्यू एक सप्ताह तक करें, बिल्कुल नेचुरल है, कोई आपको जैसे कोई नुकसान नहीं होगा। और दोस्तों इसके पत्ते में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो दोस्तों इसका प्रयोग कर सकते हैं और बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही आयुर्वेद है, आपको उसको कोई नुकसान होगा। चलिए दोस्तों अगर कंटिन्यू इसका प्रयोग करते हैं तो आपकी वात पित्त कफ तीनों को यह संतुलित करता है और इसको बिगड़ने नहीं देता है, तो ये तीनों के लिए बहुत अच्छा औषधि है, बिल्कुल यह नेचुरल है, आप इसका प्रयोग करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी मैंने बताया आपको बेलपत्र के कुछ फ़ायदे के बारे में तो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, फिर मिलते हैं एक नई जड़ी बूटी के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, नमस्कार दोस्तों।